पीछे सुरेश पचौरी भी आ गए हैं, लेकिन सामने से दिग्विजय सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले और उसके बाद ये कमलनाथ भी आपको नजर आ गए, कमलनाथ भी आपको नजर आ गए और ये गाड़ियों का काफिला निकल गया है राज्यपाल से मिलने के लिए। कमलनाथ दिग्विजय सिंह का ये काफिला आ गया है सामने, बिल्कुल हलचल तेज हो गई है और ये इसी गाड़ी में देखिए, ये जो गाड़ी सामने से आ रही है, ये जो गाड़ी जा रही है इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सामने से जो गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है, काफिला आ गया है और जहाँ ये काफिला आ गया हम आपको दिखाएं, निकल गए हैं कमलनाथ दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यपाल आनंदीबेन से मिलने के लिए। और ये वही ये देखिए, ये काफिला आ गया, कमलनाथ बैठे हुए हैं, कमलनाथ सबसे आगे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ सिंह जी से बात करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करवा दें आपकी। हाँ, एक साइड बिल्कुल यहीं खड़े हैं सर, बताइए। कमलनाथ जी, राज्यपाल जी से मिलने जा रहे हैं आप? हम राज्यपाल जी से मिलने जा रहे हैं, बहुत बधाई आपको, मुख्यमंत्री भी आप बन रहे हैं सर, अब ये बाद में तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। शिवराज सिंह जी से मिलने जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान से। मैं शिवराज सिंह जी जरूर मिलूंगा, क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? मेरे मित्र हैं शिवराज सिंह, इस जीत के बारे में क्या कहेंगे सर? मैं उन्हें बधाई दूंगा, उन्होंने बड़ी अपनी कांग्रेस की जीत के बारे में क्या कहेंगे? ये कांग्रेस की अच्छी जीत है, मैं कांग्रेस से हर कांग्रेस जन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी, क्या क्या मुख्य सबसे आपको क्या लगता है क्यों कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता ने आप पे विश्वास किया, ऐसी कौन सी खास बात है? पहली बात, हर वर्ग ने हमें समर्थन किया है। चलो चलो चलो, तो यहाँ पर आज तक के कैमरे पर सईद अंसारी के जरिए सबसे पहले आपने कमलनाथ को सुना, सीधे तौर पर ये कहते हुए कि मुलाकात के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान से जरूर मिलेंगे, ये एक औपचारिक मुलाकात, सत्ता एक पक्ष से दूसरे पक्ष के हाथ में जाती हुई, लेकिन गवर्नर से मुलाकात का ये जो समय था 12 बजे का, ठीक उस समय पर दिग्विजय सिंह कमलनाथ पहुंच गए हैं। इस काफिले को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रखेगी, लेकिन बड़ी बात ये कि दो नंबर बेशक पीछे थी बहुमत से, लेकिन बीएसपी ने जैसे ही समर्थन का ऐलान किया तो यह तस्वीर भी साफ हो गई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए रास्ता साफ है। लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।